हर्ष, देखो कैसे पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और ये देखो। जी सर, देख ही रहा हूं। बड़ी को घर पहुंचा दो। ये पंचनामा है सर। जी सर। ये मैंने सारी चीजें देखी थी, ये ग्लव्स, ये नाइफ, एवरीथिंग। सब कुछ पहले की तरह सर, सेम मॉडस ऑफ अप्रेंडी। लेकिन सिचुएशन सेम नहीं है हर्ष, इट्स अ प्रेस्टीज इश्यू फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। और ये बाहर देख रहे हो ना मीडिया वालों को। मीडिया को छोड़िए एसपी साहब, अपोजिशन वाले क्या करेंगे इसका अंदाजा है आपको? इस तरह तो सरकार चली जाएगी हमारी, और सरकार चली गई तो आप लोग भी। मेरे कहने का मतलब हम लोग तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मेयर साहब, आप यहाँ? मुझे बुला लिया था। जब मजा लेना हो तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, जब खबर लेनी हो तो मैं लोगों तक जाता हूँ। बात समझ गए ना? बड़े लोगों की बातें आसानी से कहाँ समझ में आती है सर, आप ही समझा दें तो बेहतर है। डीएसपी, मैं शहर का मेयर ठहरा, यानी ये शहर मेरा है, और तुम जानते हो कि मैं अपनी चीजों की हिफाजत किस तरह करता हूं। मैं जानता हूं मेयर साहब, लेकिन एक बात आप नहीं जानते, इस शहर की हिफाजत आपकी आदत हो सकती है या फिर शौक, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो तुम, यही जानने के लिए मैं यहां तक आया हूं। आज पूरा शहर तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे फर्ज पर सवाल उठा रहा है, और जवाब मुझे चाहिए अभी, इसी वक्त। मैं इसके उस तरह खड़े होकर सवाल करना बहुत आसान है मेयर साहब, लेकिन जवाब जानने के लिए, बात को समझने के लिए टेबल के इस पार आना पड़ता है। एक मुजरिम के फरार हो जाने को उस तरफ से हमारी नाकामयाबी समझा जा सकता है, लेकिन हमारी कामयाबी इसी में कि एक सीरियल किलर जो खुलेआम शहर की सड़कों पर आप जैसे लोगों के पार्टियों में पाया जाता था, उससे छुपने और भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दलील का नहीं, वक्त नतीजे का ठहरा। We want result. अगर 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं इसके उस पार जहां तुम खड़े हो कोई और खड़ा होगा। कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन जानता, लेकिन होगा वो जो होना चाहिए। कम्या, जो मैंने तुम्हें बताया था वो याद है ना? एनी डाउट? नो डाउट। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेहा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, सो यू बी केयरफुल, और नौ नंबर डायल करना भूलना नहीं। ओके, हाँ, ठीक है। थैंक्स।
You have reached the voicemail box. नेहा दरवाजा खोलो प्लीज. हेलो हेलो डीएसपी साहब, मेरी बात तो सुनो. नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज. नेहा मुझे मारना चाहता है. मैं खूनी नहीं हूं. नेहा नेहा मुझे मारना चाहता है. प्लीज प्लीज मैं खूनी नहीं हूं. नेहा प्लीज कम प्लीज जल्दी आइए. नेहा मेरी बात तो सुनो. नेहा जल्दी आइए प्लीज. नेहा 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 मैं किलर नहीं हूँ. नेहा मेरी बात तो सुनो. वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. नेहा 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो. नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज. प्लीज सुनो मेरी बात. नेहा प्लीज मैं किलर नहीं. नेहा 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 आंखें खोलो प्लीज. प्लीज नेहा आंखें खोलो. नेहा In. मेरा यकीन करो डीएसपी साहब, मैं सच कह रहा हूँ डीएसपी साहब. मेरी प्रीति को नहीं मारा डीएसपी साहब, मेरा यकीन करो. डीएसपी साहब ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बांध रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि एक दिन तू नेहा को ले आया था यहाँ. उसे अपनी बाहों में उठाया था तूने. यहाँ उसके हाथों में अपना हाथ डालकर घंटी बांधी थी तूने. यहाँ हमेशा साथ रहने की मन्नत भी मांगी होगी ना? हाँ मांगी थी, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं और नेहा. जानता नेहा सिर्फ नेहा नहीं है, she's a bloody queen. एक परी, एक खूबसूरत परी, मेरी दुनिया की परी. बचपन से खोजता आया हूं मैं नेहा को. उस दिन जब पहली बार स्टेशन के पास देखा तो मुझे लगा मेरी खोज खत्म हो गई, मेरी दुनिया पूरी हो गई. जानता मेरी दुनिया पूरी नहीं हो पा रही थी. कितनी लड़कियां लाया मैं ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन सब में कोई ना कोई कमी थी. हाँ हाँ एक लड़की थी, मिस नैनीताल.
उसे देख के ऐसा लगा कि वो इस कमी को पूरा कर देगी, लेकिन उसे भी नहीं ला पाया। प्रीति वहां पहुंच गई और मुझे वहां से जाना पड़ा, और फिर तू आ गया। सबने तुझे वो समझा जो मैं था, जो मैं हूं। यकीन नहीं होता ना, आंखें जो देखती है अक्सर सच होता है। काम मेरा नब तेरा। शराब खिला नहीं, प्रोटेंटा रखवाला खूबसूरती का, समझ गया ना? हे, लेकिन तू ये नहीं समझा कि मैंने तुझे नेहा को मिलने से और उसके साथ इधर उधर घूमने से रोका क्यों? इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि लोग तुझे ज्यादा से ज्यादा नेहा के साथ देखें, क्योंकि होना तो यही था। काम मेरा नाम तेरा। उस दिन मैं बहुत टेंशन में आ गया था जब नेहा ने सबके सामने मुझे कोतवाली में कहा, आई लव राज, मेरा राज किलर। वो तुझे लेकर बात सीरियस हो गई थी, तो मैं भी सीरियस हो गया। फोटोग्राफ्स, ग्लव्स, सिरिंज, चाकू मैंने रखा था तेरे घर में, और उसी रात नेहा ने मेरे सीने से लगकर मुझसे कहा, राज किलर है। काम मेरा नाम तेरा। उस रात 5 दिनों के बाद मैं सुकून की नींद सोया, लेकिन प्रीति की आंख खुल गई। नैना मुझे देखते ही शॉक से मर गई, तो प्रीति को मुझ पर शक हुआ। उसने दादी माँ से बात की, मैंने सब कुछ बता दिया। दादी माँ को बताने की क्या जरूरत थी? बस उसे चुप करना जरूरी था। Thank you.
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो हर्ष। देखो हर्ष, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, अपना साथी माना है, सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें चाहा है। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने तो तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें यहां कभी लाया नहीं। लेकिन आज आज तुम खुद यहां आ गई ना, तो वापस कैसे जाओगी? वापस जाओगी ना तो सबको बता दोगी, बता दोगी ना? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हर्ष। दादी माँ को क्यों बताया तुमने? हाँ क्यों बताया? लेकिन लेकिन वो तो क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई बात है हर्ष, कोई बीमारी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेंटल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और ना ही मेरी माँ पागल थी। मेरी माँ पागल नहीं थी, मेरी माँ पागल नहीं थी। तू बता क्या मैं पागल लगता हूँ, बीमार लगता हूँ मैं? गलत कहा था ना उसने, इसने मैंने उसे हमेशा के लिए उठा दिया और तेरे घर में रख दिया उसकी लाश। काम मेरा, नाम तेरा। लेकिन लेकिन आज के पास सब ठीक हो जाएगा। मैं नेहा को अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। आज के बाद न वक्त उसकी खूबसूरती कम कर पाएगा और ना ही उम्र। वो जैसी है हमेशा वैसी रहेगी, खूबसूरत। उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा, यहां और कल हेडलाइंस होगी, नेहा चोपड़ा सहित दर्जनों लड़कियों का हत्यारा राज सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सबूत भी है मेरे पास, सुनना चाहता है ना? तो सुन सुन। हेलो हेलो डीएसपी साहब, राज आ गया है, वो मुझे मारना चाहता है, राज मुझे मारना चाहता है, जल्दी आइए डीएसपी साहब प्लीज। इस बार काम तेरा ना मेरा है? लेकिन आज के पास सब ठीक हो। तुम बच्चा हर्षवर्धन, नेहा को छोड़ दे। नेहा, नेहा समझ गई ना? सुन लिया ना तुमने? I hate you हर्षवर्धन। No, you love me and I love you। छोड़ दे इसे। Shut up। हाँ नेहा, नेहा तुम मेरी हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा मेरी है। चले नहीं, चले हर्षवर्धन, चले अपनी दुनिया में। नहीं, चले। है सुबह तू शबनमी, है घटा तू सुरमई,
तुझे दुनिया से छीन लो तेरी पसंद, तुझे दुनिया से छीन लो तेरी पसंद। मोहब्बत की है ये दीवानगी। तेरा कहा सच कर दिया मां। नेहा, मेरी नेहा, तेरी नेहा। बचपन में कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था, कोई बच्चा मेरे पास नहीं आता था, मेरे साथ बात नहीं करते थे। सब कहते थे तेरी माँ पागल है। एक दिन माँ ने मुझे कहा, बेटा कोई बच्चा तेरे साथ बात नहीं करता ना, तो मत करने दो। कोई तुम्हारे पास नहीं आता ना, तो मत आने दो। तुम अपनी अलग दुनिया बनाओ। बचपन से यह दुनिया बना रहा हूं मैं, मेरी अपनी दुनिया। आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। Oh,
श्याम, ये ऐसा कहन? नेहा, नेहा, you
मार दिया होता था थी माँ, बचपन में मार दिया होता Fantastic. आज से ये घर दिल की सच्ची आवाज और सच्ची मोहब्बत के नाम यानी कि तुम दोनों के नाम जी रियली सर इस घर को बनाने की जिम्मेदारी के बाद इस घर को बसाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही तो ठहरी